दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर और उनके इस भत्ते में हुई 3 गुने से अधिक की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से 15 मार्च 2019 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, और इसका सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसेंटिव फॉर एक्वायरिंग फ्रेश हायर क्वालिफिकेशन इन द 7th CPA कमीशन सीनेरियो। तो काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर, क्योंकि बाकी सारे अलाउंसेस यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किए जा चुके थे, लेकिन अभी तक हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस का जो ऑर्डर था वो जारी नहीं किया गया था। तो यहाँ पर ये आदेश भी DOPT की तरफ से जारी कर दिया गया। तो अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, क्योंकि पहले उन्हें इस काम के लिए 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की राशि दी जाती थी, लेकिन अब 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में इस राशि को बढ़ा दिया है, और इस राशि में यहाँ पर लगभग 3 गुने से लेकर 5 गुने तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो एक सरकारी कर्मचारी को यदि वो नौकरी में आने के बाद में उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करता है, यानी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त करता है, तो उसके लिए उसे यहाँ पर सरकार की तरफ से वन टाइम एक लमसम अमाउंट का भुगतान किया जाता था, और अब भी ये किया जाएगा, लेकिन अब ये बढ़ी हुई रेट से यहाँ पर किया जाएगा। तो पहले ये जो मैटर था एक कमेटी को भेजा गया था, और कमेटी ने अब ये रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, और कमेटी भी की रिपोर्ट लागू करने के बारे में ही ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। तो राष्ट्रपति जी ने भी इस पर मोहर लगा दी है। तो अब एक केंद्रीय कर्मचारी को इस नई रेट से 1 जुलाई 2017 से बढ़े हुए इंसेंटिव का भुगतान किया जाएगा। तो अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी में आने के बाद में PhD और उसके समतुल्य कोई क्वालिफिकेशन प्राप्त करता है, तो उसे यहाँ पर 30,000 रुपये यानी वन टाइम लमसम अमाउंट का भुगतान किया जाएगा, और PG डिग्री डिप्लोमा जो कि 1 साल से अधिक के लिए है तो उसे 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। PG डिग्री डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन 1 ईयर और लेस और इक्विवेलेंट उसे 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। डिग्री डिप्लोमा और ड्यूरेशन मोर देन 3 ईयर्स और इक्विवेलेंट उसे 15,000 रुपये का, और डिग्री डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन 3 ईयर्स और इक्विवेलेंट उसके लिए उसे 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। पहले इस काम के लिए 2,000 रुपये मिनिमम राशि थी और अधिकतम राशि 10,000 रुपये थी, तो यहाँ पर अब मिनिमम राशि कर दी गई है 10,000 रुपये और अधिकतम राशि यहाँ पर कर दी गई है 30,000 रुपये। तो सीधा आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम राशि थी उसमें यहाँ पर 5 गुना वृद्धि कर दी गई है, और जो हायर अमाउंट थी उसमें यहाँ पर लगभग 3 गुने की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो रोल काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर, और यहाँ पर लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि आपको ऐसी क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी है जो कि आपके सर्विस में या फिर आपकी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, उसी काम के लिए यहाँ पर आपको ये इंसेंटिव दिया जाएगा, और बाकी जो टर्म्स और कंडीशन है यहाँ पर वो सेम रहेंगी। तो ओवरऑल सरकारी कर्मचारी के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर। यदि आप अपने सर्विस के दौरान कोई हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा, और तो इसका भुगतान आपको 1 जुलाई 2017 से बढ़ी हुई रेट से किया जाएगा। और ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कि 1 जुलाई 2017 से लेकर और 15 मार्च 2019 के बीच में यदि कोई हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त की है तो वो भी इसके लिए क्लेम कर सकते हैं, और अगले 6 महीने में उन्हें ये अपना जो क्लेम है वो सबमिट करना है कि उन्होंने इस पीरियड के बीच में हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, तो उसके लिए भी उन्हें इसका रिइम्बर्समेंट बढ़ी हुई रेट से यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर। तो इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और नई अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।